Hello students, this is Rajkumar Yadav and we are going to see the topic Redefining Democracy. So last year ki textbook ke andar humne dekha tha democracy ka jo tour hai usme bahut choti definition humne dekhi thi. Aapko yaad hai wo chapter 2 mein tha aapke textbook ke. Uske andar definition thi ki democracy ek form of government hai jiske andar rulers ko log elect karte hain. Baad mein humne aage bahut sare cases dekhe aur democracy ki definition ko thoda expand kiya. ताकि उसमें कुछ क्वालिफिकेशंस हम ऐड कर सकें और वो कौन सी क्वालिफिकेशंस हैं वो चार क्वालिफिकेशंस हैं जो आपको याद रखनी है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के नज़रिए से तो फर्स्ट है कि रूलर्स जिनको लोग इलेक्ट करते हैं ना वही लोग डेमोक्रेसी के अंदर बड़े बड़े डिसीजंस मेजर डिसीजंस यही लोग लेंगे सेकेंड ये है कि इलेक्शंस के अंदर लोगों को एक चॉइस मिलनी चाहिए एक फेयर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ताकि वो अपने करंट रूलर्स को चेंज करना चाहें तो कर सकें थर्ड पॉइंट अब ये जो चॉइस और अपॉर्चुनिटी मिलती है ये सभी को अवेलेबल होनी चाहिए ऑन एन इक्वल बेसिस फोर्थ पॉइंट ये जो एक्सरसाइज होती है ना चॉइस की कि कैसे चॉइस करनी है इसकी वजह से ऐसी गवर्नमेंट बननी चाहिए जो लिमिटेड रहेगी एज पर द बेसिक रूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन्स राइट्स मतलब ये अपनी मनमानी नहीं कर सकती इसको उसी के हिसाब से काम करना पड़ेगा जैसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है और सिटीजन के जो राइट है वो उसको देने का पूरा पूरा उस पर ऑब्लिगेशन होता है अब आपको शायद डिसअपॉइंटमेंट फील हुई होगी कि जो डेफिनेशन है उसके अंदर हमने कोई भी हाई आइडियल्स तो बताए नहीं जिसके साथ में डेमोक्रेसी को एसोसिएट करते हैं लेकिन हाँ ऑपरेशनल टर्म्स में हमने जानबूझ के डेमोक्रेसी की डेफिनेशन को मिनिमलिस्ट से स्टार्ट किया था मिनिमलिस्ट का मतलब होता है कम से कम कोई चीज़ को यूज़ करना कम से कम वर्ड्स को यूज़ करना लेकिन हमने क्लियर डेफिनेशन दी थी डेमोक्रेसी की इसी वजह से हम एक क्लियर डिस्टिंक्शन कर पाए ना कि डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम्स के बारे में क्या क्या डिफरेंसेस है वो हम देख पाए और जान पाए आपने नोटिस किया होगा इन्हीं डिस्कशन के टाइम पे बहुत सारे जो एस्पेक्ट्स हमने डिस्कस किए थे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स के इन्हीं डिस्कशंस के टाइम पे हम डेमोक्रेसी की डेफिनेशन से भी आगे निकल गए हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की पहला पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया कि डेमोक्रेटिक राइट्स के बारे में हमने काफ़ी डिस्कस किया और ये नोट किया कि ये राइट्स सिर्फ इतने नहीं है कि हमें वोट देने का हक है हमें इलेक्शंस में खड़े रहने का हक है या फिर हमें पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म करने का हक है हमने इसके सिवाय कुछ सोशल और इकोनॉमिक राइट्स के बारे में भी बात किया जो एक डेमोक्रेसी अपने सिटीजन्स को ऑफर करती है सेकेंड पॉइंट हमने देखा पावर शेयरिंग के बारे में और बताया कि पावर शेयरिंग खुद एक डेमोक्रेसी की स्पिरिट है उसकी आत्मा है और डिस्कस किया कि कैसे पावर शेयरिंग गवर्नमेंट और सोशल ग्रुप्स के बीच में हो सकती है ये एक डेमोक्रेसी के लिए ज़रूरी है थर्ड पॉइंट हमने देखा कि डेमोक्रेसी मेजॉरिटी का ब्रूट रूल नहीं हो सकती मतलब मेजॉरिटी अपने मनमाने से कोई भी काम करेगी कोई भी रूल लाएगी कुछ भी करेगी ऐसा नहीं होता और किस तरह से माइनॉरिटी लोगों की आवाज़ उनकी बातें इसको हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए ये एक नेसेसरी चीज़ है डेमोक्रेसी के लिए इसके बाद देखते हैं आगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है यस नेक्स्ट पॉइंट है कि हमारा जो डिस्कशन है डेमोक्रेसी का वो गवर्नमेंट और उसकी एक्टिविटीज से भी काफ़ी आगे गया था हमने डिस्कस किया कि कैसे हम जो डिस्क्रिमिनेशन होता है बेस्ड ऑन कास्ट रिलीजन और जेंडर ये इसको हटाना इस भेदभाव को हटाना इम्पॉर्टेंट है डेमोक्रेसी के अंदर फाइनली जो उसमें हमने डिस्कस किया था वो कि हमने कुछ डिस्कशन किए थे कि डेमोक्रेसी के आउटकम्स क्या होंगे या फिर कौन से आउटकम्स हैं जिसको लोगों को एक्सपेक्ट करना चाहिए डेमोक्रेसी से और ऐसा करने से हमने ना ही डेमोक्रेसी की डेफिनेशन के अगेंस्ट नहीं गए जो लास्ट ईयर दी थी हमने स्टार्ट किया कहाँ से कि डेमोक्रेसी की मिनिमम डेफिनेशन क्या है कि कोई कंट्री है वो मिनिमम कितना हो सकेगा या फिर कितना करेगी तभी वो डेमोक्रेसी कहला सकती है और इसी डिस्कशन में हम आगे भी गए और हमने देखा कुछ डिज़ायरेबल कंडीशंस जो एक डेमोक्रेसी में होनी चाहिए बाद में हमने इसी डेफिनेशन को आगे ले जाके उसके बारे में डिस्क्राइब किया कि अच्छी डेमोक्रेसी क्या होती है तो हम एक अच्छी डेमोक्रेसी को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं उसके फीचर्स को और कौन से फीचर्स हैं जो एक डेमोक्रेसी में होने चाहिए ताकि वो अच्छी डेमोक्रेसी कहला सके और डेमोक्रेसी में क्या नहीं होना चाहिए अगर वो अच्छी डेमोक्रेसी होती तो आप डिसाइड करो ठीक है तो यहाँ पे कार्टून दिखाया है रीडिंग बिटवीन द लाइंस न्यूज़पेपर में जो भी कुछ आता है हमेशा वो सच हो ये ज़रूरी नहीं है कई बार ये बातें हमें से छुपाई जाती हैं तो यहाँ पे देखिए कार्टून कैसे देख रहा है उसके अंदर
बाद में नेक्स्ट पेज पे दिखाया गया है कि आपको अपनी डेफिनेशन लिखनी है अच्छी डेमोक्रेसी की, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हो होमवर्क में, जैसे भी करो आप। फिर यहाँ पे लास्ट में एक दो पैराग्राफ है, ठीक है। तो ऊपर की एक्सरसाइज के बारे में पूछा है कि क्या आपको मज़ा आया, क्या आपको अच्छा लगा, क्या वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग था या फ्रस्ट्रेटिंग था या फिर कुछ स्कैरी भी था। आर यू लिटल रिजेंटफुल दैट द टेक्स्ट बुक डिड नॉट हेल्प यू इन दिस क्रूशल टास्क। क्या आपको गुस्सा आ रहा है क्या कि इसी ऊपर के टास्क में टेक्स्ट बुक ने कोई हेल्प नहीं किया? और क्या आपको चिंता है कि आपकी जो डेफिनेशन है वो करेक्ट ना हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे एक लास्ट पीस ऑफ एडवाइस है ये जो टेक्स्ट बुक देती है। ये क्या बोलती है कि आपको जो लास्ट लेसन है डेमोक्रेसी के बारे में सोचने पे मजबूर किया आपको, और ऐसी कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है अच्छी डेमोक्रेसी की। और एक बात, एक अच्छी डेमोक्रेसी वो होती है जो हम सोचते हैं, जो भी हम उससे चाहते हैं, जैसा बनाना चाहते हैं। तो ये आपको शायद सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन जरा सोचो कि ये बात डेमोक्रेटिक होगी क्या कि कोई आपको डिक्टेट करे कि कौन सी डेमोक्रेसी अच्छी है या फिर एक अच्छी डेमोक्रेसी क्या होती है? ये कोई आपको बताएगा नहीं, क्योंकि आप सिटीज़न हो, आप इंडिया के नागरिक हो, तो आपको भी उतना ही हक है अपना व्यू पॉइंट रखने का। आपके हिसाब से डेमोक्रेसी की डेफिनेशन कुछ भी हो सकती है जो आपको सूट लगे। तो कोई और, क्योंकि हम डेमोक्रेसी में रहते हैं तो इसीलिए कोई और हमें नहीं बता सकता कि डेमोक्रेसी क्या है, अच्छी डेमोक्रेसी क्या है। हम एक पॉलिटिकली कॉन्शियस सिटीजन होंगे, हमें अपने राइट्स पता होंगे, तो हमें पता होगा कि अच्छी डेमोक्रेसी कहलाती क्या है। इसकी डेफिनेशन के लिए हमें किसी से परमिशन मांगने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू सो मच चिलन, दिस इज राजकुमार यादव साइनिंग ऑफ।